जनता ने हमारी पार्टी की सर्वज निकाय व सर्वज सुधाय की नीति से प्रभावित होकर सन 2007 में पहली बार यहाँ बीएसपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई है। हालांकि इससे पूर्व में हमारी पार्टी को या दूसरी पार्टियों के ऊपर निर्भर रहकर तीन बार और भी कुछ समय के लिए सरकार बनाने का मौका मिला है, लेकिन मेरी इन सभी चारों सरकारों के दौरान या पूर्व की सरकारों की गलत आर्थिक नीतियों के कारण हमें हर स्तर पर प्रदेश सरकार की खराब आर्थिक स्थिति विरासत में मिली है, जिसे ध्यान में रखकर ही इस बार सन 2007 में हमारी पार्टी की सरकार ने उत्तर प्रदेश के वर्षों पुराने पिछड़ेपन व गरीबी को दूर करने तथा यहाँ विकास कार्यों को भी तेज गति देने के उद्देश्य से केंद्र की सरकार से 80,000 करोड़ रुपयों का विशेष आर्थिक सहायता पैकेज मांगा था, जिसमें से कोई भी धनराशि आज तक भी हमारी सरकार को नहीं मिली है। ऐसी स्थिति में फिर हमारी पार्टी की सरकार ने प्रदेश के अति पिछड़े हुए क्षेत्रों को विकसित करने और इसके साथ ही प्रदेश के जो क्षेत्र थोड़े विकसित भी थे उन्हें भी पूरे तौर से विकसित करने के उद्देश्य से प्राइवेट सेक्टर के जरिए कुछ ऐसी जनहित की योजनाएं बनाई थी, जिनसे ऐसे सभी क्षेत्रों का विकास होने के साथ साथ वहाँ के गरीब लोगों को भी रोजगार आदि के मामले में काफी ज्यादा लाभ पहुँचता और इसी के तहत ही आपके पश्चिमी क्षेत्र को भी विकसित करने के लिए हमारी सरकार ने प्राइवेट सेक्टर के जरिए अनेकों योजनाएं बनाई थी, लेकिन इन योजनाओं को शुरू करने के लिए कुछ मामलों में हमें केंद्र की सरकार से स्वीकृति भी लेनी जरूरी होती है, जिनकी ज्यादातर मामलों में स्वीकृति जातिगत व राजनीतिक द्वेष की वजह से केंद्र की सरकार ने आज तक भी नहीं दी है, जिसके कारण फिर हमारी सरकार इनका भी लाभ यहाँ की जनता को नहीं दे सकी है, जबकि ऐसी सभी योजनाओं पर राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार का भी कोई धन खर्च नहीं होना था। इसके अलावा केंद्र सरकार के राजनीतिक द्वेष के कारण हमारी पार्टी की सरकार को कुछ ज्यादा ही वित्तीय कठिनाइयों का सामना इसलिए भी करना पड़ा है, क्योंकि संवैधानिक व्यवस्था के तहत उत्तर प्रदेश राज्य को केंद्रीय अंश का मिलने वाला धन भी ज्यादातर केंद्र सरकार ने समय पर नहीं दिया है। इसके साथ ही केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजनाएं जो राज्य सरकार के सहयोग से प्रदेश में चलाई जाती है उसका केंद्रीय कोटे का धन भी केंद्र सरकार ने हमें पूरा नहीं दिया है और आज भी हमारे प्रदेश का कई हजार करोड़ रुपया केंद्र की सरकार के पास लंबी पड़ा हुआ है, जिसके कारण प्रदेश में विकास व जनहित के कार्य काफी ज्यादा प्रभावित हुए हैं।